हे दोस्तों, आज मैं स्टडी कंपनी के एक ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मोबाइल स्टैंड भी मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप इस टाइप से मोबाइल को भी स्टैंड कर सकते हो। दोस्तों, इस टाइप की चीज आपको काफी प्रीमियम स्पीकरों में ही मिलती है। ये पहला है इस प्राइस में जो ये चीज के साथ में आ रहा है, जो इसको देखने में काफी प्रीमियम बना देता है। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, कैसा ये स्पीकर है, किस प्राइस में मिल रहा है, कितनी इसमें पावर आउटपुट मिलती है, कितना अच्छा इसमें साउंड मिलता है, सब कुछ आज वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको अनबॉक्स कर रखा है। बॉक्स में कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ ये स्पीकर मिलेगा। और दिखा देता हूं क्या क्या मिलता है। ये इसके साथ में पैकिंग में आएगा स्पीकर। और दोस्तों, ये आपको इसमें ऑक्स केबल मिलेगा जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है और इसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है। दूसरा, आपको इसमें चार्जर केबल मिलेगा। दोस्तों, ये जो चार्जिंग केबल है ये माइक्रो यूएसबी 2 टाइप ए वाला है। तो ये इतना ही है दोस्तों इसके साथ में आने वाला सामान। अब बात करते हैं स्पीकर की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये आप चारों तरफ से जो भी देख रहे हो दोस्तों, ये आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलने वाली है, पर अच्छी क्वालिटी की आपको इसमें प्लास्टिक बॉडी मिलने वाली है। सामने की तरफ आप जो ब्लैक सा देख रहे हो, ये इसमें एल्यूमिनियम का मिलने वाला है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी और भी अच्छी कर देता है। ऊपर तरफ आपको इसमें चार बटन मिलने वाले हैं। एक इसमें मैनुअल बटन मिलेगा, दूसरा प्ले एंड पॉज का मिलेगा, और दो जो इसमें मिलने वाले हैं वो आप गाना आगे या पीछे कर सकते हो। दोस्तों, मुझे इसमें एक चीज अच्छी नहीं लगी है कि आपको किसी भी टाइप का इसमें वॉल्यूम का बटन नहीं मिलता है। और दोस्तों, इसमें आपको रेडियो भी मिलता है। तो अगर आप इसमें रेडियो सुनते हो तो उसकी आवाज कैसे कम होगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें कोई भी वॉल्यूम का बटन है ही नहीं। मोबाइल से आप कनेक्ट करते हो तो मोबाइल से तो दोस्तों आप मोबाइल की आवाज कम करोगे तो इसकी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, पर अगर आप इसमें रेडियो सुनते हो तो रेडियो की आवाज ज्यादा नहीं कर सकते हो, जो इसमें जितनी है उतनी आपको सुनाई देने वाली है। ये चीज मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी, इसमें आवाज का भी देना चाहिए था। अब बात करें दोस्तों इसके पोर्ट्स की, तो इसमें आपको ऑन ऑफ का एक बटन मिलने वाला है, उसके साथ में एक ऑक्स का पोर्ट मिलने वाला है, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलेगा, साथ में आपको इसमें यूएसबी का पोर्ट मिलेगा, आप इसमें यूएसबी भी लगा सकते हो, और उसके साथ में दोस्तों इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो, जो कि 32 GB तक ये सपोर्ट करता है। तो ये है दोस्तों इसके पोर्ट्स एंड बटन्स एंड बिल्ट इन डिजाइन। अब दोस्तों, मैं इसको ऑन करके अपने फोन से कनेक्ट करके आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ, कैसी हमें आवाज इसकी मिलती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको इसमें वॉल्यूम सुनाने वाला हूँ, ये इसका 100% पर वॉल्यूम है। आप सॉन्ग सुनिए कैसी आपको लाउडनेस मिलती है और कैसी आपको इसमें आवाज मिलती है। दोस्तों, आपने इसकी वॉल्यूम सुनी, अब मैं यही गाना आपको इसमें 50% इसके वॉल्यूम पे सुनाता हूँ, कैसी इसमें आवाज आपको 50% पे मिलने वाली है। अब यही सॉन्ग इसका 20% वॉल्यूम पे सुनाता हूँ, कितनी आपको लाउडनेस मिलती है। तो दोस्तों, ये इसका 20% वॉल्यूम पे है गाना, आप सुनिए। अब दोस्तों, कोई और गाना आपको 20% 50% और 100% वॉल्यूम पे सुनाता हूँ, कैसी इसमें लाउडनेस मिलती है। ये इसका 20% है। अब दोस्तों, मैं 50% पे सुना रहा हूं। अब इसका 100% पे वॉल्यूम सुना रहा हूं दोस्तों, कितनी आवाज आती है।
ये थी इसकी 100% वॉल्यूम पे आवाज, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। बात करें मेरी, मेरे को कैसी लगी सामने से, तो दोस्तों अगर आप इसके 100% पे वॉल्यूम सुनते हो तो इसमें थोड़ी भरभराहट की आवाज आने लग जाती है, फिर गाने में इतना मजा नहीं आता। पर अगर आप इसके 80% या 90% पे वॉल्यूम सुनते हो तो वो भरभराहट नहीं आती है, तो आप आराम से इसमें सॉन्ग सुन सकते हो। तो दोस्तों अगर इसकी लाउडनेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 10 वॉट के स्पीकर मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा दोस्तों उसमें लाउडनेस नहीं मिलेगी। हल्का कान अगर इसके बहुत पास से भी आप सुनोगे तो थोड़ी चुभन सी भी होती है, इतना इसका क्लियर साउंड नहीं है। बेस तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल नॉर्मल इसमें स्पीकर दिए गए हैं विदाउट बेस, तो बेस वाला अगर गाना सुन रहे हो तो इसमें बिल्कुल भी आपको मजा नहीं आएगा। एक FM रेडियो जैसा बजता है वैसे ही बजता है, पर उससे थोड़ा ज्यादा आपको लाउड मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो 10 वॉट के स्पीकर दिए गए नॉर्मल रेडियो से आपको ज्यादा लाउडनेस उसमें इसमें मिलने वाली है। पर हाँ ये है कि अगर कोई और आप स्पीकर लेते हो इसकी जगह तो आपको उससे इससे बेहतर आपको उसमें लाउडनेस मिलेगी। एक ही चीज के लिए दोस्तों मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा जो आपको इसमें मोबाइल स्टैंड मिल रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, आप इसको मोबाइल को स्टैंड कर सकते हो आराम से दोस्तों, कहीं भी रख सकते हो, आपको मोबाइल की भी दिक्कत नहीं रहेगी और ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा इसमें जो प्रीमियमनेस मिलती है वो भी थोड़ी अच्छी, इसमें बिल्ड क्वालिटी जो मिलती है वो भी अच्छी कंपनी ने दी है। दूसरा जो ड्रॉबैक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसमें कोई भी आपको वॉल्यूम का बटन नहीं मिलता है, तो अगर आप इसमें FM सुनते हो तो आपको इसमें वॉल्यूम काफी लाउड आने वाली है और वो आप कम कर भी नहीं सकते। पर दोस्तों इसमें जो कंपनी बोल रही है 4 घंटे का आपको जो प्लेबैक टाइम मिलता है वो सच बात है दोस्तों, आपको इसमें 4 घंटे का या कम से कम दोस्तों 3.5 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम मिलने वाला है आपको। क्योंकि इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इसमें इतना बेस नहीं है, इतने सारे आपको इसमें चीजें नहीं मिलती है, तो इसमें इसलिए भी कंपनी इसमें इतना अच्छा बैटरी बैकअप दे रही है। उसके अलावा दोस्तों इसके अगर चार्जिंग टाइम की बताएं तो इसमें 4 से आपको 3.5 से 4 घंटे लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में, ये इतना टाइम लेता है ये स्पीकर चार्ज होने में, जो कि इस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी अगर दोस्तों आपको ये स्पीकर लेना है, आपको पसंद आ रहा है, तो मैं इस स्पीकर की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस स्पीकर को ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।